तो गाइज़ आप सभी का स्वागत है हमारी इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि गाइज़ कैसे आप सभी लोग सिर्फ मोबाइल नंबर से पेटीएम से गाइज किसी भी बैंक अकाउंट में कैसे आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों पेटीएम से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप जो है सिर्फ मोबाइल नंबर से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर पासवर्ड वगैरह डाल लेता हूँ और उसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेंड मनी टू बैंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा टू मोबाइल नंबर करके। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर से पैसा ट्रांसफ़र करना है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंटर मोबाइल नंबर करके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड मनी टू मोबाइल नंबर, यानी कि आप सिर्फ मोबाइल नंबर से पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से शो करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर मोबाइल नंबर, यानी कि जिस नंबर पे आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल रहे हैं वो गाइस जो है वो बंदा जो है पेटीएम यूज़ करता हो। ओके, तो अगर वो बंदा जो है पेटीएम यूज़ करते हैं और उसका मोबाइल नंबर से आप जो है उसको यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं, यानी कि पैसा भेजना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उस मोबाइल नंबर से गाइस उस बंदे को यहाँ पे देख लेना है कि वो बंदा पेटीएम यूज़ करता है या नहीं करता है। अगर वो पेटीएम यूज़ करता है वो भी इसी मोबाइल नंबर से, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको उस बंदे को यहाँ पे मतलब उस बंदे का नंबर यहाँ पे एंटर कर लेना है जिस बंदे को आप पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको उसका नंबर डालना है, और नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसेस करके एक ऑप्शन आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सिर्फ अमाउंट डालना है। ओके, तो यहाँ पे आपको नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे ये वाला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो नंबर जैसे ही आप डालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक प्रोसेस करके एक ऑप्शन आएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जितना अमाउंट डालना है, ओके, यानी कि 100 रुपये डालना है या तो फिर 200 रुपये डालना है, तो आपको जितना अमाउंट पे करना है उसको यहाँ पे फिल करना होगा। ओके, तो जिसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इतना ही करना है, फिर आप जो है उस बंदे के अकाउंट में यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बस ये जो सिंपल सा ट्रिक था दोस्तों, तो इसी तरीके से आप जो है सिर्फ मोबाइल नंबर से पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो ट्रिक है वो 101% वर्क करता है दोस्तों। तो आप सभी लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो ट्रिक है वो आपके फ़ोन में वर्क करी है या नहीं करी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।